अकबर बादशाह एक दिन अपनी मां को कहने लगा, माता आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, तू जो चाहिए मुझसे मांग ले, तेरा मुझ पे कर्ज है, तूने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे जो चाहिए मांग ले मैं तुझे दे दूंगा ताकि मैं तेरा कर्ज अदा कर सकूं। मां कहने लगी, बेटा तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता, एक रात का। तू कहता है मेरा कर्ज उतारेगा, आ तुझे बताऊं तेरा जन्म कैसे हुआ था। जब तेरा जन्म होने वाला था मुझे दर्द शुरू हो चुका था। एक पहुंचा हुआ पीर आया, कहने लगा अगर इस बालक का जन्म दोपहर के वक्त हुआ तो ये आम आदमी की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म रात को हुआ तो ये वजीर की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म अमृत वेले हुआ तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर की मां कहने लगी, उस वक्त मैंने कपाल आसन लगा लिया, कपाल आसन, उल्टी हो गई, उल्टी होकर खड़ी रही पूरी रात, एक एक मिनट मरती रही, ऐसा दर्द सहा, पर इतना दर्द सहकर भी तुझे जन्म मैंने अमृत वेले दिया जिस वजह से आज तू चक्रवर्ती बादशाह है। और तू कहता है कि मां मैं चक्रवर्ती बादशाह हूं, मांग क्या मांगता है, तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता बेटा, एक रात का। साथ संगत जी, हम माता पिता का कर्ज नहीं अदा कर सकते पर कम से कम सेवा करके उनकी प्रसन्नता तो ले लें। सच कहता हूं साथ संगत जी, सच कहता हूं, मां की आशीष आपको वहां ले जाकर खड़ा कर सकती है जो जन्मों की भक्ति आपको नहीं पहुंचा सकती। वहां पे एक मां की आशीष आपको वहां ले जाकर खड़ा कर सकती है जहां पर जन्मों की आपकी भक्ति वहां नहीं पहुंचा सकती, यह सच्ची बात है। माता पिता की सेवा किया करो, यह कमी मुझ में भी है, स्टेज पर बैठ के बोल तो रहा हूं, कई बार मैं अपने पिता के आगे बोल पड़ता हूं, ये मैं अपनी दिल की बात आपको बता रहा हूं। बोलने के बाद बार बार पछताता हूं क्योंकि मुझे पता है पर पता नहीं उस वक्त सहन नहीं होता, पर बार बार पछताता रहता हूं। आज तक मेरी कोशिश है कि मैं बाबा नंद सिंह जी के वो तीन वचन मान लूं पर आज तक मान नहीं पाया, पर मेरी कोशिश चालू है। अब सारी संगत मुझे आशीष करो कि मैं इस कोशिश में सफल हो जाऊं, मेरे लिए अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़े, माँ क्यों दे उपकार विसार।